सदर शहर से फिरोज़ाबाद हज़रत अब्दुल्ला शाह जीलानी के दरबार पर हमारा जो सफ़र है वो जारी है। आप देख सकते हैं खूबसूरत पहाड़, नेचुरल ब्यूटी ऑफ खुजदार बलूचिस्तान। ऑन द वे बाइक हम जा रहे हैं फिरोज़ाबाद। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम बिरावी ट्रैवल टीवी के दोस्तों, कैसे हो टिक टाक दोस्तों। आज हम आए हैं खुजदार शहर से आगे अब्दुल्ला शाह के मज़ार पर, और इस मज़ार के तमाम जगह, चश्मा, खूबसूरत पहाड़, रास्ता, सब कुछ आप तमाम दोस्तों के सामने रखेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहिए हकीम बिरावी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम यहाँ पहुँच चुके हैं दरगाह की सलामी और दुआ फातिहा के बाद हम निकलेंगे वापस चश्मे की जानेब। रास्ते में हमें मिला मेहमान खाना, कच्चे मकानात, खूबसूरत जगह, और अब दरगाह से हम बिल्कुल चश्मे की जानेब जाएंगे। अपने नाज़रीन को दिखाएंगे चश्मा, और इस वक्त हम बाइक पर जा रहे हैं। आप पैदल भी आ सकते हैं, यहाँ इतना दूर नहीं है, मगर हमने बाइक पर जाने पर इत्तेफाक किया। इस वक्त हम पहुँचने वाले हैं, वो मेरे दोस्त साहब मौजूद हैं वहाँ पर, यहीं पर हम रुकेंगे। आगे बाइक का रास्ता नहीं है, इस वक्त हम पैदल जा रहे हैं अपने दोस्तों और कज़न्स के साथ नीचे चश्मे की जानेब। ये है चश्मा, पत्थरों के दरमियान से ये खूबसूरत पानी निकलता हुआ ज़मीन पर अपना एक दिलचस्प मंजर अपना दिखा रहा है। ये है मकसूद भाई, हमें दिखा रहे थे चश्मा। ये पानी जो है चश्मे का नाली की सूरत में निकलता है बाहर। और फिरोज़ाबाद की जितनी भी आबादी है, उस आबादी की वजह सिर्फ और सिर्फ ये चश्मा है। चश्मे पर उस पानी आबादी का निसार है। अब हम चश्मे को देखने के बाद वापस जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ की तरफ। देख सकते हैं पहाड़, वन ऑफ द बिगेस्ट माउंटेन है ये, बहुत ही बड़े और काफ़ी अच्छी लुक देते हैं यहाँ पर खुजदार शहर फिरोज़ाबाद के मकाम पर। मेरे दोस्त हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं, मकसूद भाई, अब्दुल वहीद उसके साथ हैं, अकबर भाई, थैंक यू सो मच। आप देख सकते हैं नाज़रीन वो सामने जो लोग मौजूद हैं यहाँ पर, ये चश्मे का जगह है। हम पहाड़ के दरमियान पर मौजूद हैं क्योंकि ज़्यादा ऊपर हम नहीं चढ़ सके, हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है इसलिए। दोस्तों नाज़रीन वो देख सकते हैं ये जो दरख्त हैं, इन दरख्तों के दरमियान जो बागात हैं, इन दरमियान में अब्दुल्ला शाह का मज़ार मुबारक है। और हम आपको दिखा रहे हैं लुक, व्यू, ब्यूटीफुल व्यू, बहुत ही खूबसूरत है। देख सकते हैं बाकायदा तरीके से कितना अच्छा लग रहा है, नेचुरल ब्यूटी ऑफ खुजदार बलूचिस्तान। आप जब भी खुजदार आपका आना हो ज़रूर अब्दुल्ला शाह जीलानी के मज़ार पर आएँ। यहाँ भी चश्मा, वादियाँ, सरसब वादियाँ, ये पहाड़ की रौनकों से आश्कार हो जाए, लोगों को देखें, खुश हो जाएं, इंजॉय करें अपनी लाइफ को। ये देखें आप, मेरे कज़न्स मुझे लेकर आए यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। जी चाह रहा था कि मैं हमेशा इन्हीं वादियों में गुम हो जाऊँ, यहीं पे रहूँ, यहीं पे अपना लाइफ एंजॉय करूँ। हेलो दोस्तों मैं इस वक्त अस्कारी पहाड़ के दरमियान मौजूद हूँ। आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा लाइक दें और अच्छा सा कमेंट्स दें इस वीडियो के बारे में। इस वक्त हम अस्कारी पहाड़ से बाकायदा तरीके से नीचे उतरेंगे, थोड़ा सा डेंजरस है पहाड़ के ऊपर। बलूचिस्तान के पहाड़ आपको पता ही होगा बहुत ही बड़े हैं, तो यहाँ से उतरना मुश्किल है। इस वक्त हम उतरेंगे वापस नीचे की जानेब। दोस्तों इस वक्त वापस हम उठ रहे हैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए आहिस्ता आहिस्ता वापसी की जानेब। थोड़ा सा मगरिब पड़ चुका है और अंधेरा छा रहा है। मेरे दोस्त हैं बिलाल भाई हैं। खुजदार शहर में बहुत सारे पिकनिक पॉइंट मौजूद हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हमारा चक्कर लगे खुजदार में तो हम ज़रूर ब्लॉग बनाएंगे। इस वक्त हमें दीजिए इन्हीं लफ्ज़ों के साथ इजाज़त, अल्लाह नगेबान।